ओके, आज हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के हवाले से। तो आज हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी थ्योरेटिकल क्लास है, थोड़ा बहुत और मार समझने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो वर्ड है, बेसिकली ये वर्ड कहाँ से निकला है? तो यूजुअली अगर आप गूगल पे जाके यहाँ से सर्च करेंगे, देखिए हम यहाँ से चले जाते हैं google.com के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर हम जाके लिखते हैं कंप्यूटर। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाके कंप्यूटर टाइप करेंगे गूगल के ऊपर, तो गूगल, क्योंकि आपको पता है दुनिया का एक सर्च इंजन है, बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम, एक मिनट ज़रा, ओके कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर जाके यहाँ टाइप करते हैं कंप्यूटर और यहाँ से इमेजेस में जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की शक्लें दिखा रहा होता है कि ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। मुख्तलिफ शक्लें आपको नज़र आ रही हैं, ये सब कंप्यूटर की ही शेप्स हैं, ठीक है। जैसे इस तरह के कंप्यूटर को हम कहते हैं, या इस तरह के कंप्यूटर को हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, और इस तरह के कंप्यूटर को हम कह रहे होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, अब डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों शक्लें, यानी कि ये पोर्टेबल है, जिसको आप इजीली अपने साथ मूव कर सकते हैं, जबकि इसको किसी टेबल पे कहीं पे आपको फिक्स करना होगा। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर आपके सामने यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर की हमने शक्लें देखी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ड कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर की मीनिंग क्या है? कंप्यूटर वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। तो एक वर्ड है कंप्यूट, जहाँ से ये वर्ड निकला है कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कंप्यूट जो वर्ड है, इस कंप्यूट वर्ड की मीनिंग क्या है? अगर हम यहाँ पे जाएँ तो कंप्यूट लिखते हैं हम यहाँ पे, कंप्यूट मीनिंग इन उर्दू। देखिए मैं किस तरह से आपको गूगल का इस्तेमाल भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अगर हम कंप्यूट वर्ड की मीनिंग देखें, तो यहाँ पर आके आल्स में मैं बता रहा हिसाब, सॉरी कंप्यूट, कंप्यूट वर्ड की अगर मीनिंग देखें तो इसके मतलब क्या है? हिसाब। और अगर इन मैथ्स देखें, तो क्लिक करके यहाँ पे कह रहा है मैथमेटिक्स में टू कैलकुलेट, ठीक है, क्या कह रहा है? टू कैलकुलेट आइदर लिटरली और फिगर रेटिवली, यानी कि कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना। क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं हम? टू और टू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा ब्लड की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रेन के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो बेसिकली वर्ड कंप्यूटर का जो मीनिंग है, वो है कैलकुलेट करने वाला, कैलकुलेटर, सही है ना, हिसाब किताब करने वाला। तो यहाँ पर आपको समझ में आती है कि कंप्यूटर का जो बेसिक काम था वो था टू कैलकुलेट, ठीक है ना, अ मशीन टू कैलकुलेट और कैलकुलेट और कैलकुलेटर। अब चूंकि इसको काम कर रहा है, तो कैलकुलेटर हो जाएगा करने वाला। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो कंप्यूटर का मतलब है हिसाब किताब करने वाला, और कंप्यूट का मतलब है हिसाब किताब या हिसाब किताब करना। टू कैलकुलेट, इसकी मीनिंग तो इंग्लिश में ही निकल रही है। अब ये कंप्यूटर बेसिकली है क्या? अगर हम इधर बात करें कि वॉट इज़ कंप्यूटर, आजकल आप देख रहे होते हैं, तो वॉट इज़ कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन के ऊपर हम बात करें, हाँ ओके, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन के ऊपर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे दूसरे आइडियाज़ भी हमें मिल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर जाके व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे अगर हम जाके कंप्यूटर के बारे में सर्च करना चाहें, तो जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो देखिए ये हमें क्या बता रहा है इसके बारे में। अब यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा, यू मे रेडी डेट नो, ओके, ये इस पे बताया। एक और वेबसाइट जिसका नाम आजकल बड़ी पॉपुलर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका नाम है ChatGPT, अगर हम उससे चल के पूछते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो वो हमें क्या बता रही है। तो यहाँ से ChatGPT का हमने ओपन AI खोला, AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, जो कि खुद से काम करने की सलाहियत, फैसला लेने की सलाहियत जिसके अंदर मौजूद है। यहाँ से हमने क्लिक किया इसके ऊपर, ये जब तक लोड हो रहा है इसको भी देख लेते हैं।
तो एक तो हम चले डेफिनेशन यहाँ से मान रहते हैं कि कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब बिजली पर चलने वाली मशीन है। इलेक्ट्रिक में भी दो टाइप हैं, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज, और ये लो वोल्टेज पर चलने वाली मशीन है, मतलब कम लाइट लेती है। इलेक्ट्रॉनिक है जैसे हमारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, और इस तरह हमारा कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मशीन कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये आ गया चैट जीपीटी, और इससे हम यही सवाल पूछते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये हमें क्या बता रहा है इसके बारे में, तो ये भी हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ आंसर करेगा। अच्छा, उससे आगे चलते हैं कि इसके आगे उसने हमें बताया कि ये अपने अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने की, कैलकुलेट करने की सलाहित रखती है। उसने तो बहुत सारी बातें बता दी। अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू प्रोसेस स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। अब यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है वो नज़र आ रही है डेटा, यानी कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो दूसरा टारगेट है वो है डेटा, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। तीन बातें करता है, लेकिन ये कंप्यूटर किसके साथ करता है, डेटा के साथ। यानी कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक गाड़ी का सोर्स क्या है, तो एक गाड़ी का सोर्स है पेट्रोल। देखो, गाड़ी अमेरिका जाने के लिए बनाई नहीं थी, गाड़ी दुबई जाने के लिए नहीं बनाई थी, ठीक है ना। एरोप्लेन दुबई अमेरिका जाने के लिए बनाया था, उसको गाड़ी और अमेरिका दुबई को नहीं जानती। गाड़ी का मतलब है चलना, और चलने के लिए उसको क्या चाहिए, पेट्रोल, यानी कि गैस चाहिए उसको। अब वो गैस उसको मिलेगा तो वो चलती है, फिर आप उसको लंदन ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, यूरोप चले जाओ। तो आपको बात समझ में आ रही, गाड़ी का मकसद है ट्रेवल, यानी कि टू शॉर्ट द ट्रेवल, टू रिड्यूस द ट्रेवल। गाड़ी का मकसद है कि अपने जो सफ़र है उसको आसान कर लें, कम कर लें, तेज़ कर लें, ये गाड़ी का मकसद है। हवाई जहाज़ का मकसद फिर उसके आगे, फिर ट्रेन का मकसद भी उसी तरह से है, ठीक है ना। लेकिन उनको उनको अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाने के लिए नहीं बनाया था। मतलब ये नहीं कह सकते व्हाट इज़ का व्हाट इज़ अ व्हीकल, तो हम ये कह सकते व्हीकल मीन्स अमेरिका, नहीं, वो हमारी मर्ज़ी है जो हम इसको इस्तेमाल करें। अब मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन टू प्रोसेस स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर का सोर्स क्या है, कंप्यूटर का सोर्स तो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब बिजली पे चलेगी ना ये, लेकिन इसका टारगेट क्या है, डेटा। यानी कि कंप्यूटर का सोर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजली है, इसको बिजली चाहिए, अगर बिजली नहीं मिलेगी, इसको करंट नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये काम किस पे करेगा, डेटा पर। और क्या काम करेगा, सबसे पहला काम करेगा उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, फिर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, रिट्रीव करेगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस, स्टोर और रिट्रीव को हम समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है, देखिए, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना, अमल में लाना। जैसे आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने का प्रोसेस क्या हो सकता है, उसमें चीनी पत्ती दाल वगैरह, और सॉरी चीनी पत्ती और पानी डाला, और उसमें आग से उसको एस्टिमुलेट किया, तो वो चाय बन गई। अब ये पूरा क्या था, चाय बनाने का प्रोसेस था। इस तरह से जब डेटा को किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको किसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। मतलब जैसे कि 2 + 2, दिस इज़ इंफॉर्मेशन और डेटा, तो हम ये कहेंगे 2 + 2 इज़ द डेटा एंड 4 इज़ द इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज़ प्रोसेस, तो प्लस जो है वो प्रोसेस है। 2 + 2 मतलब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि ये जो 2 + 2 किसी ने लिखा, तो ये 2 + 2 जो है ये डेटा है, इसमें जो प्लस है वो क्या है, प्रोसेस है, और जो इसका आंसर आएगा 4, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह से डेटा को किसी प्रोसेस से गुजार के किसी इन्फॉर्मेशन में डाला जाता है। जैसे कोई भी न्यूज़ जब बनती है, तो न्यूज़ पूरी कलेक्ट करके फिर एक स्टोरी बनाई जाती है, फिर उसके एविडेंस बनाए जाते हैं, और फिर उसको लोगों को समझाया जाता है। जैसे अगर आपको ये बता दिया चांद, ज़मीन और डिस्टेंस XYZ किलोमीटर, तो ये आपके लिए डेटा है। अब इन्फॉर्मेशन कब होगा, जब इस चांद ज़मीन से कोई आदमी चांद पे जाएगा, वो सारी कैलकुलेशन को लिखेगा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको बताएगा ज़मीन से चांद का ये डिस्टेंस है, इसको हम इस तरह से जा सकते हैं, इससे हमारे ये आउटपुट हैं, चांद पे ये मामला है, ज़मीन पे ये मामला है। तो ये सारे मामला जो हैं फिर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होंगे। बहरहाल, आप हमेशा याद रखें, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इसकी सोर्स इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली चाहिए इसको, चाहे वो बैटरी से दें, चाहे वो आप डायरेक्ट 220 वॉट से दें या 110 से दें, ठीक है। लेकिन इसका टारगेट क्या है, जिसके ऊपर ये काम करता है, वो है डेटा। डेटा को ये क्या करता है, प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करने की सलाहियत रखता है, अपने अंदर सेव रख लेता है। और डेटा को ये रिट्रीव करता है, एक आसान अल्फाज हैं, रिट्रीव माने वापस ले आना। मतलब अब ये कैसे वापस लेके आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे आज सुबह इंग्लिश के पीरियड में टीचर ने क्या पढ़ाया आपको, बताइए।
फेयर काम करवाया, तो जो फेयर काम आपने दिमाग में अभी वापस लेकर आए, तो उसको आपने क्या किया, उस डेटा को क्या किया, रिट्रीव किया, रिकॉल कर लिया आपने। डेटा तो था दिमाग में कहीं, वहाँ पे से आपने उसको वापस ले आए। इसकी एग्जांपल हम यूँ भी ले सकते हैं, एक फ़ोटो मेरे मोबाइल के अंदर सेव था, और सेव था 4 साल पहले का, और उसको मैंने दोबारा से कहा कि मुझे वो फ़ोटो मोबाइल दिखाओ, तो मोबाइल ने मुझे वो फ़ोटो दिखाया, तो उस डेटा को उसने क्या किया, रिट्रीव किया। इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जो मुझे लकी ने सेंड किया था अपने मोबाइल से, तो मेरे मोबाइल ने उस मैसेज को क्या किया, रिट्रीव किया। अब इसको हम गेट भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की टर्म में हम उसको कहेंगे उसने उसको रिट्रीव किया, ठीक है। तो डेटा को रिट्रीव करना मतलब जो डेटा सेव है उस डेटा को कई अरसे कई दिनों बाद जब भी आप कंप्यूटर को कहेंगे मुझे दिखाओ तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा को क्या करना, रिट्रीव करना। और डेटा स्टोर करना मतलब हमने एक फ़ाइल को सेव किया, गाना सेव किया, वीडियो सेव की, फ़ोटो सेव किया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, डेटा को स्टोर करना। तो हमारे कंप्यूटर का टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या डेटा, डेटा। और सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। और ये डेटा को क्या करता है हमारा कंप्यूटर, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है। और ये ऑल टाइम आप अपने मोबाइल पे कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ही आपने एक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, मोबाइल ने उसको प्रोसेस किया, आपके सामने दिखा दिया, एप्लीकेशन इज़ योर डेटा, ठीक है। जब आपने बंद कर दिया तो उसको क्लोज़ कर दिया, उस एप्लीकेशन में आपने कोई भी काम वाम किया, सेव किया, तो उसने अपने अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और जब फिर बाद में आपने उस पर क्लिक किया तो दोबारा से उसी डेटा को आपको रिट्रीव करके मोबाइल ने दिखा दिया। अब मैं मोबाइल की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसको आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और यही काम आपका कंप्यूटर कर रहा होता है। जब आप इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर भरते हैं तो वो इस डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाता है, फिर आप फाइल्स वगैरह जो भी बनाते हैं वो इसके अंदर सेव होती रहती है। फिर जब आप कंप्यूटर को ऑन करके बाद में अपनी पुरानी फाइल्स को ओपन करते हैं या नई फाइल्स को ओपन करते हैं तो वो डेटा को रिट्रीव करके दिखा रहा होता है। सॉफ्टवेयर जब लोड होता है वो एक प्रोसेस हो रहा होता है लोड होने का, फ़ोटो बनाने का एक प्रोसेस है, वीडियो बनाने का एक प्रोसेस है, और ये सारे के सारे प्रोसेस इसी में ही कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कंप्यूटर जो है काम किस पे करता है, डेटा पर, और डेटा को क्या क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। और इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, जो कि ये कम करंट पे, कम बिजली पे चलने वाली मशीन है। इसको हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, पानी की मोटर जितनी लाइट नहीं लेती, ये एक सेवर जितनी लाइट लेती है, ठीक है। एक सेवर 25-50 वाट का होता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर 100 वाट पे चलता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो थोड़ा इस तरह का दिखता है, जिसके चार पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया भी था यहाँ पे, जिसके चार हिस्से होते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। और एक लैपटॉप कंप्यूटर जो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ये जो कहीं बनाना ये रहा, ठीक है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी कम लाइट लेता है, सही है। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप की निस्बत थोड़ी ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है, क्योंकि उसमें ये हिस्से चारों अलग होते हैं, सीपीयू अलग होता है, एलसीडी अलग होती है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। जबकि लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखें तो कीपैड, माउस पे, टचपैड सब लगे हुए होते हैं, और साथ में एक एडिशनल पार्ट बैटरी भी होती है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैटरी लगी हुई नहीं आती, उसको आप अलग से इंस्टॉल कराना पड़ता है। आखिरी चीज़ को समझते हैं हम किसके बारे में, डेटा के बारे में, और अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले आसानी से समझा देता हूँ डेटा होता क्या है। देखो जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में और मोबाइल में सेव है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो सॉन्ग्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक हैं, ये सब के सब क्या है, डेटा, ठीक है। डेटा की डेफिनेशन क्या है, अगर हम गूगल से पूछें व्हाट इज़ डेटा, तो यहाँ पे हमें गूगल क्या बता रहा है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया व्हाट इज़ डेटा के ऊपर, तो गूगल कह रहा है क्वांटिटीज़, नंबर्स, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, ग्राफ्स, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे समझें डेटा को ये कितने नाम से जान रहा है, इन्फॉर्मेशन, मालूमात, क्वांटिटीज़, तादाद, नंबर, कोई भी नंबर, फैक्ट्स, कोई भी हकीकत, ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ आपने देखी और समझी। जैसे ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, सुबह कैसे होती है, रोशनी हो जाती है, रात कैसे होती है, अंधेरा हो जाता है, ये इंसान की ऑब्जर्वेशन है। अगर वो चाहे तो सुबह को रात भी रख सकता था नाम, रात को सुबह भी रख सकता था, और ऐसे ही हम याद करते सबको, सही है। इसी तरह से जब बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व करने में पता पड़ा कि बारिश से ज़मीन गीली हो जाती है, ठीक है। मेजरमेंट्स, किसी भी चीज़ की नाप तोल करना, आपका वज़न कितना है, इस कुर्सी की
हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इस कमरे की हाइट विड्थ क्या है, पंखे की रेडियस क्या है, ये सब चीज़ें जो मेजरमेंट यूनिट्स आते हैं वो भी मेजरमेंट आती है। तो ये सारी चीज़ें ही डेटा हैं। क्या हैं? इसका मतलब जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हकीकत को देखते हैं, कोई भी बड़ी से बड़े नंबर को देखते हैं, वो हमारे लिए क्या है? डेटा। एक आसान अल्फाज में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी डेटा है। और एक और आसान अल्फाज में, अगर आपको नाउन की डेफिनेशन याद हो तो मुझे बताएंगे ज़रा, नाउन का क्या है? किसी भी जगह, हाँ, इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन वॉट एवर प्लेस पर्सन और सिटी, हाँ, थिंग, थिंग इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग प्लेस पर्सन, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। और कंप्यूटर में डेटा भी हम इसी चीज़ को कहते हैं। आपको किसी चीज़ के बारे में नाम पता चलेगा, वो आपके लिए डेटा है। किसी चीज़ की तादाद पता चलेगी, वो आपके लिए डेटा है। किसी चीज़ के बारे में उसके प्राइस पता चलेगा, वो भी आपके लिए डेटा है। किसी चीज़ की मेजरमेंट पता चलेगी, वो भी डेटा है। तो डेटा की जनरल डेफिनेशन तो ये है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है उस डेटा के साथ? तो भाई डेटा को क्या करता है? वो स्टोर करता है। डेटा को वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। डेटा को वो क्या करता है? टारगेट रिट्रीव करता है। रिट्रीव कैसे? देखिए, कंप्यूटर ने हमारा काम आसान कर दिया। हम इसको जो भी डेटा देते हैं, ये इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो प्रोसेस करता है, उसके बाद अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो सेव कर लेता है, और जब हमें चाहिए होता है वापस, तो ये हमें वापस कर देता है, रिट्रीव कर देता है। जितने भी बैंक्स में हिसाब किताब का काम चल रहा है वो कंप्यूटर कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर को तो वो डेटा देते हैं, कंप्यूटर उनको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, सबके बैंक्स के अकाउंट्स को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। नादरा ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको हम सबको डेटा देते हैं, कंप्यूटर उनको अपने अंदर स्टोर करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो हर जगह पे कंप्यूटर यही काम कर रहा होता है। डेटा की कोई शक्ल हो भी सकती है और शक्ल नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में कोई ख्याल है, उसका कोई शक्ल तो नहीं है ना, वो भी डेटा है। मिसाल के तौर पर ये दीवार कह रहे हैं, वॉल भी आपके लिए डेटा है। फिर वॉल की हाइट कितनी है? 12 फिट, ये भी आपके लिए डेटा है। फिर वॉल की विड्थ कितनी है? 6 इंच, ये भी आपके लिए डेटा है। फिर वॉल का कलर क्या है? ये भी आपके लिए डेटा है। तो डेटा मुख्तलिफ़ शक्ल में हमें मिलता है, फिर हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में, नंबर की सूरत में शक्ल सेव करते हैं, टेक्स्ट की सूरत में सेव करते हैं, या फिर हम उसे सिंबल्स की सूरत में सेव करते हैं। अब लेटेस्ट शक्ल उसकी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये डेटा की एडवांस फॉर्म है। डेटा की बुनियादी शक्ल क्या है? अल्फ़ाबेट्स। देखो ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें डेटा किस शक्ल में मिल रहा है? ये देखें, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में मिल रहा है, ठीक है। नंबर्स की सूरत में मिल सकता है, किसी का मोबाइल नंबर, किसी की वैल्यू, ठीक है, या इनसे मिला जुला डेटा हो सकता है, या फिर जो लेटेस्ट फॉर्म है डेटा की, किसी की तस्वीर, किसी की वीडियो, किसी चीज़ की ऑडियो, किसी चीज़ का म्यूज़िक, ये भी डेटा की सारी शक्लें हैं। इनको हम इंग्लिश में फॉर्म्स कहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, नंबर्स, सिंबल्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी और गेम्स भी। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा। और इन्हीं इसी डेटा को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। और कंप्यूटर का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, बिजली, करंट, ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है।